वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज रविवार 24 सितंबर 2023, हरियाणा सरकार 15 धमाके, ग्रामीणों को तोहफा 30,000 रुपये, 8 लाख की वेरिफिकेशन, घर घर बड़ा फर्जीवाड़ा, सभी योजनाओं का धमाका, बिग मीटिंग सीएम डीसी, धान बाजरा खरीद, बिग ब्रेकिंग, हरियाणा सरकार 15 अन्य धमाकेदार आदेश, इन सभी पर विस्तार से संवाद व चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा में केंद्र का कोई भी ऐसा आदेश हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज सटीक व विश्वसनीय देने का काम करता हूँ। अपना प्यार व सहयोग ऐसे ही बनाए रखना भाइयों बहनों। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो ये नहीं कह सकते भाई ये योजना कब आई, कब चली गई मुझे नहीं पता, या सरकार ने ये आदेश कब जारी किया, कब चला गया मुझे नहीं पता, या तो आप मेरे साथ जुड़े नहीं या फिर मेरे को देखते नहीं। तो दोस्तों आप सीधा मुद्दे पर चलते हैं। सबसे पहले मानसून की बात कर लेते हैं। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम वर्षा, आज भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मानसून की सक्रियता बरकरार, वर्षा से तापमान में आई गिरावट, अब प्रदेश में 28 तारीख को मानसून की विदाई संभावित है। हरियाणा में पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, जींद से लेकर रोहतक, सोनीपत, दिल्ली, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और मेवात के अंदर मेघ गर्जना, बादलों की गर्जना आपको देखने को मिलेगी। हल्की फुल्की बारिश भी मौसम विज्ञान के अनुसार आपको देखने को मिल सकती है। बाकी मौसम वैज्ञानिक है, मेरा कोई वो नहीं है, मैं इन पर इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता। साथियों हरियाणा में 3 क्रम से अधिक के सभी जो रास्ते हैं वो पक्के होंगे। मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा तोहफा ये दिया है। सड़क नेटवर्क भी मजबूत होगा। 1647 स्वीकृत सड़कों में से 1632 सड़कों के टेंडर जारी कर दिए गए हैं और मुख्यमंत्री की पूरी जो है ये हरियाणा सरकार ने गाँव और शहरों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 3 क्रम से अधिक चौड़ाई वाले सभी रस्तों को पक्का किया जाएगा। ये टोटल जो सड़कें 1378 ऐसी सड़कें हैं जो 3 क्रम से अधिक की चौड़ाई की हैं जो अभी तक नहीं बनी है, तो ग्रामीणों के लिए बेहतर हुआ है। ये जो 3 क्रम से अधिक की चौड़ाई के जो रास्ते होते हैं ये प्रत्येक गांव को या तो दूसरे गांव से कनेक्ट करते हैं, दूसरे गांव के माध्यम से वो शहर को कनेक्ट करते हैं, यानी आपके बाजार को आपसे कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो उनकी जो चौड़ाई है पूरी चौड़ाई होगी और उनके लिए अलग से स्पेशल पैसा जो है बजट कल सीएम साहब ने बहुत बड़ी धमाकेदार मीटिंग की उसमें किया। भाइयों बहनों हरियाणा फसल सुरक्षा योजना क्लस्टर 2 की शुरुआत में अंबाला, करनाल, सोनीपत, हिसार, जींद व महेंद्रगढ़ जिले शामिल है व गुरुग्राम। यह हरियाणा फसल सुरक्षा योजना के तहत 3 क्लस्टरों में हरियाणा प्रदेश को बांट रखा है। 3 क्लस्टर का मतलब यह है कि 22 जिलों को 3 जगह बांट रखा है। तो क्लस्टर 2 के फार्म शुरू हो चुके हैं, परसों हुए थे जब 27 तारीख की थी आवेदन की थी, अब 3 दिन और इसमें बढ़ा दिए। जैसे ही तो अन्य क्लस्टरों के भी सुनाई खुलेंगे मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों किसान मामूली शुल्क के साथ यानी 1500 रुपये की शुल्क के साथ आपकी जो कपास की फसल यदि खराब हो जाती है तो आपको 30,000 रुपये प्रति एकड़ जो है प्रदेश सरकार देने का काम करेगी। भाइयों बहनों पोर्टल खोल दिया गया, अधिक जानकारी 1800 180 17 से आप कर सकते हो। agrihariyana.gov.in से आप इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सीएससी सेंटर से भर सकते हो। ये जो कपास है अब की बार कपास में सुंडी रोग लग गया है तो आप ये 1500 रुपये देकर उस खेत का बीमा जरूर करो, ये एक प्रकार से साथियों हुआ है तो ये अपना जो है ये जरूर करवाएं क्योंकि 1500 रुपये जाएंगे आपके 30,000 रुपये मिलेंगे। और कपास में आपके बाहरी रोग आया हुआ, विदेशी रोग आया हुआ जिसे सुंडी प्रकोप बोला जा रहा है, उसने बहुत बड़ी संख्या में लाखों एकड़ फसल जो है कपास की बर्बाद करने का काम किया है, तो अपना पंजीकरण करवा देना। 30 सितंबर अब इसकी डेट बढ़ा दी गई है, 3 दिन और बढ़ा दी गए। धान बाजरे की खरीद कल से, पर 24 लाख एकड़ फसलें मिसमैच, सीएम ने कहा 3 दिन में मिसमैच डाटा सत्यापित करने के निर्देश दे दिए। ये जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर धान और बाजरे की जो खरीद है वो कल से शुरू होगी, 25 सितंबर से शुरू होगी। 24 लाख एकड़ फसल का कोई डाटा नहीं मिल रहा भाई, 24 लाख एकड़। और भावांतर भरपाई योजना के लिए कल जब ये पूरा बड़ा वो खुलासा हुआ, बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, 24 लाख में से 8 लाख जो है बाजरा का फर्जी पंजीकरण मिला। इस 8 लाख बाजरा का इसलिए करवाया कि सरकार प्रत्येक जो है एकड़ के हिसाब से बाजरे के पैसे डालने का काम करती है, तो ये फर्जीवाड़ा, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा इसके अंदर खुलासा हुआ है। टोटल 24 लाख एकड़ फसल मिसमैच है जिसका कोई भी ना उनके नाम हुआ है ना उनके नाम हुआ है, बिल्कुल फर्जी तरीके से मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर धान और बाजरे की फसल दिखाई है। अब मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भाई 3 दिन के अंदर अंदर जो ये डाटा मिसमैच है गांव गांव जाके वेरीफाई करो
और जो ये है फर्जी, अगर ये गांव में ये मिलते ही नहीं है, ये फर्जी है, इनको भगाओ सबको। और मोस्टली जो ये 24 लाख हैं, इनमें से कम 20 लाख ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी कर रखा है। मैं मेरे जानकार कृषि कल्याण विभाग में है, वो अधिकारी इतना लंबा बड़ा धो वो करते हैं, खेला सरकार को चपत लगाते हैं इनमें बहुत ज्यादा। तो भाई 25 तारीख से बड़ी बम्पर खुशखबरी है, 25 सितंबर से शुरू होगी धान की खरीद। तो बाजरे की भी शुरू हो चुकी है, वो तो आपको पता ही है। कल ये पूरा का पूरा डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 54 शहरों में 57 परियोजना, 1727 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अमृत योजना के तहत सिटी वेक्टर एक्शन प्लान को मंजूरी, यानी पानी की जो योजना है उसको मंजूरी दे दी गई है। जल पहुंचाने के लिए 1727 करोड़ रुपए का बजट रख दिया गया है। हरियाणा में 2 साल में 4000 और प्लेवे स्कूल खोले जाएंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हर सीएम साहब ने प्ले स्कूल के लाभार्थी अभिभावक से सीधा संवाद किया, 2500 जीर्णित भवन कर लिए हैं प्ले वे स्कूल, यानी फिर छोटे छोटे बच्चों को ये जो स्कूल होते हैं इसमें खेल खिलौने के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। आज किताबें ना होकर इसमें बिल्कुल जो खेल खिलौने होते हैं ना बच्चों के, इन स्कूलों में प्ले स्कूलों में वो प्ले मतलब खेल वो मिलता है, कि खेल के माध्यम से पढ़ाना ये वो करके उनको नर्सरी भाई है 8-1-2 और ABCD और ये NRE पढ़ाना होता है, तो उसको वो उसके हिसाब से खेल के हिसाब से बेहतर तरीके से बच्चे को छोटे को समझा देते हैं। और वो खिलौने स्कूल में देखता है तो उसका मन भी लगता है, स्कूल आने को मन करता है, ताकि वो ना हो। तो 40,000 बच्चों का अब तक प्रदेश भर में प्ले वे स्कूलों में दाखिला हो चुका है। जो फिलहाल प्ले वे स्कूल चल रहे हैं वो हरियाणा सरकार ने आंगनबाड़ी सेंटरों में चला रखे हैं। आगे बात करते हैं, योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाएं। कल मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने सभी DC 22 जिलों के सभी SP और प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने या सरकार की नाकामी और कामयाबी में प्रशासन का हाथ होता है, DC का हाथ होता है, योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक, तो इनका जो है पूरा CM साहब ने कल खींचे हैं। एक एक व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, गरीब से गरीब को सारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। दफ्तरों के चक्कर की अगर मैंने सुन ली तो इलाज कर दूंगा थारा। यहाँ ये कहा है कि जनसंवाद की जितनी भी शिकायत है दुनिया हरियाणा प्रदेश की जनता ने 10 जिलों में जो जनसंवाद हुआ है उन पर कार्रवाई करो, एक एक को पढ़ो और कार्रवाई करो, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे पास फरियादी कागज लेकर आता है तो किसी उम्मीद में आता है मेरी प्रदेश की जनता, पूरा ढंग से खींचा, फैमिली ID, BPL राशन कार्ड, सारी आयुष्मान कार्ड, सारा जो है CM साहब ने पूरी योजनाओं पे बढ़िया तरीके से क्लास लगाने का काम किया। हरियाणा एक पखवाड़े में सभी पंचायतों के लिए व्यापक पैक्स कवरेज कर लेगा मुख्य सचिव। हड़ताल पर चल रही 20,000 आशा वर्कर्स का जेर भरो आंदोलन कल 7 अगस्त से। आशा वर्कर्स जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो हड़ताल पर चल रही हैं, उनका कहना है कि हमारी सैलरी को प्रदेश सरकार नहीं बढ़ा रही है, जबकि प्रदेश सरकार को हमारी सैलरी बढ़ानी चाहिए। प्रदेश सरकार का कहना है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा सैलरी आंगनवाड़ी वालों को हम दे रहे हैं और फिर वो कर रही है। सामाजिक न्याय अधिकारिता अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं उनके लिए 2500 रुपये से 13,500 रुपये तक छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप का पोर्टल खोल दिया गया है। ये सभी राज्यों के, हरियाणा नहीं सभी को, हरियाणा में भी ये खोल दिया गया है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। अनुसूचित जाति के लिए है ये फिलहाल। अनुसूचित जाति वर्ग के 70 लाख बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने हेतु घोषणा, ये आपको 2500 रुपये से 13,500 रुपये इसके तहत सरकार देने का, केंद्र सरकार देने का काम करती है। 2.5 लाख रुपये की इसके अंदर लिमिट है कि इनकम उसकी 2.5 लाख नहीं होनी चाहिए, 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। उदय वान है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ी असभ्य अभद्र भाषा का प्रयोग उन्होंने कल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को लेकर किया है। उन्होंने कहा कि इनका परिवार नहीं इस तरह का, जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी को वर्षों तक छोड़ा हुआ है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री लाल को पता ही नहीं कि घर परिवार क्या होता है। पानीपत में 3 महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म और महिला आरक्षण बिल को लेकर पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल पर यह विवादित जो है बयान उदयवान जी ने कहा है। तो साथियों ये जो है पूरा का पूरा फिर इसको आड़े हाथ लेने का काम किया है। इनेलो की रैली में नीतीश कुमार शरद पवार सहित विपक्ष बड़े दिग्गजों का आना लगभग थे। कांग्रेस और आपके नेताओं पर संशय, कला भय चौटाला ने मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्योता दिया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वीटो पावर के कारण मल्लिकार्जुन खड़गे का आना संशय है। कांग्रेस हाईकमान राहुल गांधी भी चाहते हैं कि गठबंधन इनेलो से हरियाणा के अंदर बने, लेकिन हुड्डा बिल्कुल दीवार की तरह खड़े हो गए, गठबंधन बनाते हो तो मैं दूर जाऊंगा, मैं अलग पार्टी बनाऊंगा, सीधा उन्होंने कह दिया। केथल में ताऊ देवीलाल जयंती कल है, 25 सितंबर को इनेलो मनाएगी। वही राजस्थान के सीकर में JJP दुष्यंत मनाएगा ताऊ देवीलाल जयंती। मोनू माणेसा की जमानत याचिका पर 25 सितंबर को सुनवाई होगी। हरियाणा में बाजरे की तस्करी की आशंका, सीमा पर नजर रखेंगे DC, टीम बैठा दी भाई सभी जितने भी हमारे अन्य राज्यों से, वो लगता है
जब जो वो सीमा लगती है वहां सभी, जब तक ये बाजरे की सरकारी खरीद चलेगी वहां टीम बैठा दी गई है कि कोई भी बाजरे की वो नहीं आनी चाहिए ट्रैक्टर ट्रोली विद अन्य राज्यों से, क्योंकि हरियाणा में भाव अच्छा मिलता है इसलिए हरियाणा बेचने आते हैं, वो जो पड़ोसी वो होते हैं। दुराचार और हत्या मामले में पुलिस ने 200 सीसीटीवी खंगाले, दिखे संदिग्ध। मामले की जांच में करनाल के एसपी एसटीएफ साइबर टीम भी जुटी। तीसरे दिन भी आरोपियों के सुराग नहीं, सांसद ने ली रिपोर्ट। कॉल ने 350 मोबाइल की कॉल डिटेक्ट खंगाली। मृतक महिला की किसान ने कराई रसम क्रिया। ये भाई दुष्कर्म का बहुत गंदा मामला जिससे कहते हैं मानवता को शर्मसार करने वाला मामला आया था। ठेकेदार का अपहरण करके पीटा, मुंह में गोबर डाला, जूती पर नाक रगड़वाई। अपहरणकर्ताओं द्वारा बनाए गए वीडियो हो रहा वायरल। नो के खिलाफ केस दर्ज। प्रशासन ने मानी ग्रामीणों की मांगे। राखी गढ़ी में चल रहा धरना समाप्त। जेलों में 624 महिलाओं के साथ बेकसूर 37 बच्चे कैद। पापा का प्यार न दीदी दादी का दुलार। डेरा सच्चा सौदा में उड़ी उमड़ी संगत। राम रहीम ने जेल से भेजी 17वीं चिट्ठी। एसआर के सरद सुरजेवाला और किरण और आपकी जो है ये कुमारी शैलजा ने प्रभारी से किया किनारा। नहीं दिए जा रहे नाम। 1-to-1 मीटिंग के मैसेज के बाद भी नहीं दिया किसी तरह का रिस्पॉन्स। हाईकमान के पाले में डाली जा सकती है गेंद। दो तरह की रिपोर्ट तैयार होने की सूचना। कांग्रेस चुमंदर खाने घमासान तेज। संगठन गठन लटकने के आसार। ग्रुपडी परीक्षा केंद्र 21-22 अक्टूबर को होगा, इसको लेकर लिस्ट एचएसएससी ने जारी कर दिया। खेलेगा हरियाणा जीतेगा सोना। चीन के हुआंगजू में एशियन जो गेम्स हैं वो शुरू हो चुके हैं। प्रदेश के 89 खिलाड़ी उसके अंदर दमखम दिखाएंगे। चुनावी मोड में सरकार। हर जिले में 500 जगह होर्डिंग्स लगाने का आदेश दे दिया है। वीरेंद्र सिंह रैली करके पता नहीं किसको आवाज सुना रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की संपत्ति जब्त। गिरफ्तार मामले में प्रक्रिया शुरू। तो ये आज की बड़ी बड़ी खबरें थी जो विस्तार पूर्वक दिया। उम्मीद है जानकारी पसंद लगी। आई होगी जानकारी अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।